जनपद हरिद्वार के लंढोरा में लोगों ने नगर पंचायत अधिकारियों और बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ में प्रदर्शन किया है। लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर धांधली बरती जा रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि घटिया सामग्री लगाने से सड़क 4 महीने बाद ही टूट गई है। नगर में कई लाख रुपए की लागत से 50 वाटर कूलर लगाए गए थे, लेकिन कुछ महीने बाद ही वाटर कूलर खराब हो गए हैं। करीब 20 लाख रुपए की लागत से 48 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में सभी कैमरे खराब होने लगे हैं। लोगों को इसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। पीएम आवास योजना में भी बड़े पैमाने पर धांधली बरती जा रही है, जिसके चलते पात्र लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोगों ने आरोप लगाया है कि नगर पंचायत अधिकारियों की लापरवाही के चलते कुछ लोगों ने करोड़ों की सरकारी संपत्ति कर कब्जा कर संपत्ति को अपने नाम दर्ज करवा लिया है। वहीं इस मामले पर नगर पंचायत सीईओ सुरेंद्र कुमार ने कहा है कि समय से पहले सड़क टूटने और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने की शिकायतें मिली है। ठेकेदार को इस संबंध में नोटिस भेजा जा रहा है, साथ ही सरकारी संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। खानपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट। लगता है कि जैसे चेयरमैन है ही नहीं, किसी चीज को भी अगर कोई भी चीज देखते हैं आप, सब चीजों में धांधलीबाजी है। और आवास योजना विकास जो बनी थी प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को मकान दिए जा रहे थे जिस मामले में, तो उसमें क्या है कि जिनके मकान पहले से थे उनको तो पैसे पूरे 2 लाख रुपए दे दिए गए, उसमें कोई रास्ता अंकित नहीं है। और एक ये पार्क बना था ये भी खत्म हो गया, टूटा पड़ा सब। और कैमरे लगाए थे, काफी लागत लगी उसमें, कोई कैमरा नहीं आज तक चला। उसके बाद वाटर कूलर लगे, इनका कोई आधे बंद पड़े आधे चल रहे, ये भी सब ऐसे वीरान। ये रोड टूटी है, इसके लिए हम ठेकेदार को दोबारा से हमने लेटर भी दिया है, उनको बोला भी इसको दोबारा ठीक कराओ। अच्छा, आवास योजना के तहत जो पैसा रखे नहीं मिल पाए, लोग परेशान हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उसमें? हम जल्दी ही पैसे जो भी हमारे पास पैसा आया हुआ है वो ट्रांसफर कर देंगे DPR के आधार।